8100 के आसपास ही बाजार अभी चल रहा है और इसमें कुछ खास बड़ा मूव तो नहीं मिल रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव है। एक बार आप ADAG के शेयर्स देखिए, सभी शेयर ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास चल रहे हैं। हालांकि खबर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक शेयर को लेकर आने वाली है, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन है, लेकिन ज़्यादातर ADAG के शेयर्स, चाहे इंफ्रा हो, पावर हो, कैपिटल हो, सभी दिन के उच्चतम स्तरों पर हैं। पुनीत सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। पुनीत नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते सर, मेरे पास MTNL है, 2500 शेयर है, 19.6 के भाव से। ठीक है, 1960 पैसे के हिसाब से। आप मेरे को एक ही चीज बताइएगा, MTNL के अंदर आपने क्या चीज ऐसी देखी कि आपने शेयर को प्लस कर लिया? इसका वॉल्यूम देखा, इसका चलने का पैटर्न देखा, या फिर कंपनी का अपना फंडामेंटल देखा? पुनीत हेलो। हाँ, आपने क्या देखा MTNL में? सर एक्चुअली 3 दिन पहले मैंने जी बिजनेस पे देखा था कि इसमें रेकमेंड करने के लिए BTSC में, तो मैंने BTSC किया। ठीक है, वो मैंने ही पूछा था, इसमें एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था 18.60 रुपये का, और 22-23 रुपये का टारगेट हमने रखा था। ये बात अब लोकेश से पूछते हैं। लोकेश, 19.60 रुपये पे इनके पास है MTNL है, ये 18 या फिर उससे थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस रख के करीब 22-25 रुपये तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं क्या? देखिए डिम्पी जी, अगर MTNL के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी लुक एट द मंथली चार्ट, यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न तैयार हो रहा है, साफ साफ इंडिकेट करता है स्टॉक इज फेसिंग रेजिस्टेंस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 20.40 रुपीज़। यहीं पे इसके क्वार्टरली ईयरली चार्ट पे दिख रहा है कि ओवरसोल्ड पोजीशन बन चुकी है, एक अच्छा बाउंस बैक देखा जा सकता है, एंड दिस स्टॉक हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 23 और 24 ऑन दी अपसाइड। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और 18.40 रुपये का इसका स्टॉप लॉस दीजिए, जो आपके डिम्पी सर ने भी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है, एंड होल्ड योर पोजीशंस फॉर द टारगेट ऑफ 24 और 25। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है और आप उसी के अकॉर्डिंग ही प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब एक खास, जैसे कि हम बात भी करते ब्रेक से पहले, कि AD और BC की नई परिभाषा 2016 में आई है। अब तक AD और BC की जो आपने परिभाषा सुनी होगी, उसमें AD का मतलब होता है अन्नो डोमिनी और BC होता है बिफोर क्राइस्ट। लेकिन आज मेरे दो सहयोगी हैं, वो आपको नई परिभाषा बताएंगे। मेरे साथ अंचल भी हैं और संदीप भी हैं। अंचल और संदीप दोनों पास एक एक नई परिभाषा है। AD की परिभाषा जो नई बनी है वो है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, और BC की है बिफोर कैंसिलेशन, जो आपके पुराने नोट थे वो, उनके बंद होने से पहले। तो इन दोनों परिभाषा से पहले बाजार में किन शेयरों में चल रही, यानी कि AD के दशक में आफ्टर डीमोनेटाइजेशन कौन से वो शेयर हैं जहां पे एक ज़ोरदार उछाल आया और क्यों आया, और बिफोर कैंसिलेशन यानी साल 2016 में जनवरी से लेकर नवंबर तक वो कौन से दो शेयर हैं जो कि जोरदार परफॉर्मेंस देखे गए और उनमें चाल क्यों आई, ये बताने के लिए दोनों सहयोगी मौजूद हैं। पहले बिफोर की बातचीत कर लेते हैं, अंचल के पास शायद वो आंकड़ा है। अंचल बताइए, कौन से दो शेयर आपके पास हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई सुमित, AD और BC की नई परिभाषा है। हाँ, डेफिनेटली मेरे पास बिफोर कैंसिलेशन वाले शेयर हैं। मन्नापुरम फाइनेंस शेयर को देखिए, 1 जनवरी 2016 से 8 नवंबर 2016 तक शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी थी। कंपनी का प्राइस करीब 30 रुपये का होता था 1 जनवरी के दिन, और वो बढ़ के 100 रुपये को क्रॉस करता हुआ दिखा, 102.75 रुपये की क्लोजिंग थी 8 नवंबर 2016 की। ऑलमोस्ट 247% का रिटर्न इस शेयर ने इन 10 महीनों में दिया, और उसका कारण था कंपनी के रोबस्ट नंबर्स। लगातार 5 तिमाहियों से कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते गए, मुनाफा क्वांटम से बढ़ता रहा। सो मच, अगर आप 5 तिमाहियों पहले कंपनी के मुनाफे को आपसे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का मुनाफा हो चुका है, वो एक बड़ा ट्रिगर था कंपनी का। साथ ही साथ जो ऑनलाइन गोल्ड कारोबार इन्होंने अक्टूबर 2015 में शुरू किया, उसने बहुत सहारा दिया कंपनी को, और कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से जो शेयर प्राइस था वो भी एक तरफा चाल दिखा रहा था। लेकिन दूसरी ओर GNFC का शेयर है, फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी। देखिए, नॉर्मली फर्टिलाइजर के साथ कई सारी दिक्कतें होती हैं, सब्सिडी का इशू है, गैस एलोकेशन का इशू रहता है, लेकिन GNFC एक ऐसा शेयर है जिसके लिए 2016 बेहतरीन साल रहा। पहले 10 महीने में GNFC के शेयर ने 143% का रिटर्न दिया। शेयर 82-83 रुपये के भाव से चलना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 200 रुपये के भाव को छू कर पलटा, तो यानी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अप मूव थ्रू द ईयर शेयर ने दिया। उसका कारण था, पहला तो कंपनी का जो एलोकेशन था वो स्ट्रीमलाइन हुआ, फर्टिलाइजर कारोबार ने परफॉर्म करना शुरू किया। देखिए, इसका फर्टिलाइजर कारोबार ऑलमोस्ट 2-3 सालों तक डेंट में था, मार्जिन डिप्लीट हो रहे थे, लेकिन वो रिवाइवल आता हुआ दिखा 2016 में, उसका फायदा कंपनी को हुआ, और साथ ही साथ कंपनी की जो ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन है वो रिड्यूस हुए। तो कहीं ना कहीं जो बिफोर कैंसिलेशन जो आप बात कर रहे थे, मन्नापुरम फाइनेंस और GNFC, ये दो शेयर थे जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया। तो दो शेयर आपको बताए गए हैं अभी तक, यानी कि आज हम पूरे दिन आपको शेयर बताते रहेंगे, जिन्होंने नोटबंदी से पहले एक बेहतर चाल दिखाई है। वो बात अलग है कि थोड़ी सी गिरावट में मुनाफा वसूली रादर कह सकते हैं 8 तारीख के बाद आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अब संदीप के पास चलते हैं। संदीप, 2 महीने का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल नहीं होता, लेकिन शेयर आपके पास ऐसे ऐसे हैं जो कि 100% से ऊपर निकल चुके हैं, कौन से हैं वो शेयर जहाँ पे एक जोरदार तेजी, यानी 50% या फिर 100% तक की चाल देखने को मिली है मात्र 2 महीने में?
शुक्र सुमित, आफ्टर डिनोमिनेशन की जब आप बात कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन की, तो ऐसे शेयर आपके सामने रखना चाहेंगे जिनको नोटबंदी से फायदा देखने को मिला है। पहला शेयर इस लिस्ट में है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये कंपनी अगर आप देखें पीओएस मशीन बनाने के कारोबार में है, और जिस तरह से नोटबंदी हुई और उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस बढ़ा है और पीओएस मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, इस प्रोडक्ट की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो उसी का इजाफा जो हुआ है वो इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कंपनी अगर आप देखें 8 नवंबर को 109 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर ट्रेड करता था, अब अगर आप देखें 206-207 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, यानी कि नोटबंदी से लेकर अब तक करीब जो 1.5 महीने के आसपास का समय बीता है उसमें करीब करीब 90% के आसपास की रिटर्न अब भी जिसने 8 नवंबर को इस शेयर को खरीदा था उस निवेशक के हाथ में अभी भी है। तो चाहे अगर कोई तो अपना जो मुनाफा है 90% के आसपास का वो अभी भी बुक कर सकता है अगर उसने नोटबंदी के पहले से इस कंपनी में निवेश किया था। तो उस लिहाज से देखा जाए नोटबंदी का जो फैसला है इस कंपनी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला, और जिस तरह से इस कंपनी के प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है उसका रिफ्लेक्शन जो है नंबर्स में देखने को मिलेगा, और उसको पहले से शेयर मार्केट ने बढ़ाने की कोशिश करी है। दूसरा शेयर जो इसी लिस्ट में है वो है आरएस सॉफ्टवेयर का। ये कंपनी में अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवाएं देने के कारोबार में है, और जिस तरह से नोटबंदी हुई है डिजिटल ट्रांजेक्शन पर फोकस बढ़ा है, इस कंपनी का भी जो कारोबार है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी एंटीसिपेशन में इस काउंटर में भी नोटबंदी के बाद से लगातार जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिला है। अगर आप 8 नवंबर की बात करें तो इस प्राइस की जो शेयर की जो क्लोजिंग थी 68.35 रुपये की थी, अब अगर आप देखें तो 115-116 के आसपास की प्राइस अब भी इस काउंटर में देखने को मिले, यानी कि जिसने 8 नवंबर से पहले इस काउंटर में खरीदारी करी है अगर वो निवेशित है तो अब भी करीब 70% के आसपास का मुनाफा इस काउंटर में देखने को मिला है। तो नो डाउट नोटबंदी काफ़ी सारे सेक्टर्स काफ़ी सारे स्टॉक्स के लिए खराब साबित हुई है, लेकिन ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिनको नोटबंदी से काफ़ी फायदा हो सकता है, नंबर्स में इंप्रूवमेंट आएगा, और उससे पहले बाजार कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। आरएस सॉफ्टवेयर में 70% और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक में 90% रिटर्न नोटबंदी के बाद देखने को मिला है। चलिए, तो आपको एडी और बीसी के दोनों तरह के शेयर बताए जा चुके हैं, दो शेयर आपको बताए जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन के बाद एक जोरदार रिटर्न दिया, और दो शेयर जो कि 8 महीने के दौरान एक जोरदार चाल दिखाते हुए चल रहे थे। राजेश, आपने चारों शेयरों का नाम सुन लिया, इसमें मन्नापुरम है, जीएनएफसी है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जो कंपनियां हैं उनमें जोरदार रिटर्न आता दिखाई पड़ा, आरएस सॉफ्टवेयर एक अच्छा रिटर्न देखे गया। कोई शेयर आपको लगता है कि अब 2016 की खत्म होने वाला है, शायद 17 में ये लाइमलाइट में रहें, एक अच्छी तेजी में देखने को मिले इन चारों में? जी, इन चारों में मुझे लगता है आरएस सॉफ्टवेयर ऐसा स्टॉक है जहां पे वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी स्टीम बचती है। हालांकि बहुत अच्छी तेजी ले चुका है, इस वक्त नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े करेक्शन में बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। जहां तक टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक की बात है, अगर आप देखें तो नंबर्स इस क्वार्टर में बेहद अच्छे आए थे टॉप लाइन में, बट बॉटम लाइन उतना कोई खास आया नहीं था, मार्जिन्स में बहुत प्रेशर देखा गया था। बेसिकली इस बार जो क्वार्टर आया था उसमें मोबाइल फ़ोन के इन्होंने ट्रेडिंग करी थी उससे नंबर्स आए थे, और वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। पीओएस बिजनेस से कितने नंबर्स आते हैं क्या आते हैं ये देखना पड़ेगा, इन लेवल्स पे नई खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी। ठीक है, अभी हम एक शेयर के बारे में बातचीत कर रहे थे उसको लेकर एक शायद एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अंश हैं पानीपत से। अंश नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। अच्छा ठीक है, 225 जीएनएफसी के बारे में बता भी रहे थे कि इसने जनवरी से लेकर नवंबर तक टिल 8 नवंबर तक बहुत बेहतर रिटर्न दिया था। एक बार अब एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं जीएनएफसी पे, आपकी रिकमेंडेशन क्या लोकेश, इनके पास 50 शेयर है। देखिए डिम्पी जी, जेएनएफसी के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे 210-211 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से राउंडिंग बॉटम तैयार हो रही है वीकली चार्ट पे जो इंडिकेट करती है द स्टॉक क्रॉसेस द लेवल्स ऑफ 227 विद वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे 235-240 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं जहाँ पे चाहे तो अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं। तो फिलहाल अपनी पोजिशन को होल्ड कर लीजिए, इट्स अ गुड स्टॉक टू प्री इनटू। जी, तो आपके पोजीशन में बने रहने की राय दी गई है जीएनएफसी के संदर्भ में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय शर्मा है, पटना से मौजूद है। शर्मा साहब नमस्कार। शर्मा साहब आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, नमस्कार शर्मा साहब, क्या सवाल है पूछिए। वही है कि का 300 शेयर है मेरे पास 35 की रेट से। ओके, और क्या नजरिया रखते हैं आप इसमें? जी राजेश, इनका सवाल एचसीसी पर है, 35 पे खरीदारी, करीब करीब 40 के भाव पर एक काम काज कर रहा है, 45 का लक्ष्य इन्होंने साध रखा है, आपकी राय क्या कहती है? देखिए नंबर्स में थोड़ा सुधार तो देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो, बस जो थोड़ी दिक्कतें हैं वो डेट को लेकर के हैं, ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, मुझे लगता है ये बने रहे, बट इसमें फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल पर ध्यान देना चाहिए और 37 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कैरी कर लें पोजिशन को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। एक श्वेता का सवाल हमको मिला है पीएनबी गिल्ट पर, 2000 शेयर इनके पास है और 58 का रेट है, वो हमारे साथ मौजूद भी है। श्वेता, आप कुछ पूछना चाहते हैं शेयर के बारे में? Yeah, good morning. I have 2000 shares of PNB Gilt. Rate is 58 pe. So I can hold it for medium term. Achha. So iske bare mein aapne study ki hai? Thoda jankari li hai ki ye share kab karti kya hai? Yeah, initially maine li thi jankari, but mujhe lagta hai enter karne mein mujhe thoda sa late ho gaya. Theek hai. हाँ ठीक है, ये बात तो सच है। हाँ, इसमें कोई जो रहने थोड़ा लेट हुए हैं आप, लेकिन ठीक है, फिर भी पूछ लेते हैं कि नुकसान कैसे कम किया जाए, कैसे बचा जाए। प्रॉफिट के तो पता नहीं, नुकसान को कैसे कम करें एक बार ये समझ लेते हैं। लोकेश, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? इस समय एवरेज करें, स्ट्रक्चर आपको ठीक लग रहा है, नहीं करेंगे तो शेयर में जो है वो बने रहें, वापस रेट आ जाएगा 58 का, क्या करें? या फिर इसी से प्रॉफिट बुक करके, लॉस बुक करके बाहर आ जाएं, वो लॉस हम कहीं और से पूरा करें, क्या करें? देखिए डिम्पी जी, अगर हम पीएनबी गिल्ट्स के चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो मैं एवरेज करने की सलाह तो इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसकी एवरेज फॉर्मेशन होती है वो होती है 42 के आसपास, और 42 भी यहाँ से ऑलमोस्ट 10% के नीचे ही लेवल्स बनते हैं, तो यहाँ पे एवरेज करने की सलाह तो नहीं देंगे। लेकिन हाँ, डेली और वीकली चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक सपोर्ट जोन तैयार हो रही है जहाँ पर स्टॉक के ऊपर जा सकता है। इसकी 47, 50, 48 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। जैसे ही स्टॉक 48 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा आपको 52 से 55 के लेवल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर चाहें तो अपने लॉसेज को मिनिमाइज करके बाहर आ जाइए क्योंकि मंथली चार्ट्स में थोड़ी सी इसमें सेलिंग देखी जा रही है ऊपर के लेवल से। जी, हमारे साथ नीरज हैं, धूपर, नीरज धूपर हैं दिल्ली से। नीरज जी नमस्कार। आकाश भी मौजूद हैं दिल्ली से। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? जी आकाश। नमस्कार आकाश जी, क्या सवाल आपका पूछिए? जी, मेरे पास एमटेक ऑटो है, एवरेज मेरे पास है 41 और शेयर्स मेरे पास है 1700, तो मैं 1 or 2 इयर्स लॉन्ग टर्म में देख रहा हूं। खरीदारी है, ग्रुप डेट को ईज आउट करने पे लगातार लगा हुआ है, करीब 22 से 28 हजार करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। आप क्या राय रखते हैं कंपनी के ऊपर? देखिए, इतना बड़ा डेट है और जो भी दिक्कतें आई वो हम सबको पता है, लगातार गिरावट देखी स्टॉक ने, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में कोई चेंजेस होने वाले हैं। डेट वाकई में मैनेजमेंट बहुत कोशिश कर रहा है कम करने की, बट एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। मैं ये कहूँगा कि आपको जहाँ भी मौका मिले अपने लॉस को मिनिमाइज़ करिए और निकल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये डेट मिनिमाइजेशन के इनके काबियात पूरी ना हो या लंबा समय चल जाए तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक में जहाँ फंडामेंटल्स बिल्कुल भी ना हो, लंबी अवधि का नज़रिया नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता देते हैं वो जो तस्वीरें, जो कैबिनेट की आज एक बैठक होने वाली है, ये तस्वीरें आप सी बिजनेस में सबसे पहले देख पा रहे हैं। ये आज फार्मा के रिवाइवल को लेकर प्लान होगा, एजेंडा होगा, और दूसरा कैशलेस सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसको लेकर एक अहम फैसला आज हो सकता है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो 2-3 और बड़े अहम फैसले होंगे इस कैबिनेट की बैठक में, कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हो सकती हैं, तो आज सीसीए की बैठक भी बताई जा रही है कि वो भी होने वाली है।